सो गाइस, आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपनी ओवरऑल इनकम बोल सकते हैं इन्वेस्ट किए बीटीटी कॉइन में। ओवरऑल से मेरा मतलब है कि अराउंड 100 करोड़। भाई मैं सही बोल रहा हूँ, 100 करोड़ बीटीटी, हाँ 100 करोड़ बीटीटी इन पर्सन ने परचेस किए। दूसरी तरफ आज हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि ऐसा क्या इनने इस कॉइन में देखा, इतने पोटेंशियल इतना बड़ा क्या देखा जो इनने ऑलमोस्ट सारा पैसा इन्वेस्ट किया। तो शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ऐसी बेस्ट वीडियो में देते रहता हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं अभिषेक भाई के साथ, जिन्होंने अपनी ओवरऑल इनकम इन्वेस्ट किए बीटीटी। भाई तो आपका वेलकम है भाई मेरे चैनल पे, एंड थैंक यू आपने इतना बड़ा टाइम दिया मुझे। सबसे पहले तो शिवम भाई, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप अपने चैनल पे मुझे बुलाएं और मुझे एक मौका दिए कि आपके ऑडियंस को मैं कुछ डिलीवर कर पाऊँ, कुछ समझा पाऊँ। जी भाई, आपने जैसा अपनी बात हुई थी लास्ट टाइम कॉल में, जब आपने मुझे बताया था कि आपने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो आपको इसमें इस कॉइन में ऐसा क्या पोटेंशियल दिखा जो आपने इसको पूरे खरीद डाले? मतलब 100 करोड़ एक बड़ा अमाउंट होता है। हाँ बिल्कुल, तो 100 करोड़ बोलिए। और ऐसा भी नहीं है कि आपने मतलब अपने आप बहुत ज्यादा अमीर हैं तो आपने एक छोटा सा अमाउंट, आपने ओवरऑल इनकम डाला है, तो ये आपको से डर नहीं लगा कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं डूबेगा? आपने ऐसा क्या देखा जो आपने इन्वेस्ट कर दिया? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मेरा इनकम है उसमें लार्ज अमाउंट मैंने बीटीटी कॉइन पे ही डाला हुआ है, और मैं ये आज से नहीं बहुत पहले से ही डाल रहा हूँ। उसका जो सबसे पहले रीज़न है, बात किया जाए तो जो P2P फाइल शेयरिंग जो इसका पहले यूज केस था, वो इसका सबसे पहले रीज़न है। अब थोड़ा सा मैं आपके ऑडियंस को समझा देता हूँ कि P2P जो फाइल शेयरिंग है वो काम कैसे करता है। जैसे कि आप और मैं एक वीडियो बना रहे हैं, तो एक वीडियो को हम लोग अपलोड करेंगे कहाँ पर, यूट्यूब पर, तो वो सर्वर पर चला जाएगा। तो सर्वर पर जाने के बाद किसी ऑडियंस को देखना है तो वो यूट्यूब पर सर्च करके हमारा वीडियो देख सकता है, ठीक है, ऐसा ही होता है फिलहाल। हाँ। लेकिन जो बताओ, हम लोग जो वीडियो अपलोड किए किसी पे डिपेंड हो गए सर्वर पे, अगर वो चाहेगा तो यूट्यूब अपना सर्वर से इस वीडियो को हटा सकता है ना? बिल्कुल। अब फिर यहाँ पे आता है बिट टोरेंट का काम, P2P फाइल शेयरिंग। हम नहीं चाहते कि किसी पे डिपेंडेंट होना, किसी पे डिपेंड रहना हम नहीं चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा या फिर आप क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएं या फिर आपका लैपटॉप में वो वीडियो है, ठीक है, अब वो वीडियो मेरे को चाहिए तो कैसे कर सकते हैं, उसी में आता है यहाँ पे टोरेंट का काम। मान लीजिए आपके लैपटॉप में एक वीडियो है, उस वीडियो का आप एक टोरेंट फाइल बना लेंगे बिट टोरेंट के वेबसाइट पर जाके। जैसे ही आप टोरेंट फाइल बनाएंगे उस फाइल को आप मेरे को शेयर कर देना। जैसे ही वो फाइल मैं अपने कंप्यूटर पर यहाँ अपलोड करूँगा तो आपके पास क्या होगा कि एक मैसेज जाएगा और वहाँ पे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो वीडियो है वो मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके लैपटॉप से वहाँ पे अपलोडिंग चालू हो जाएगा और मेरे में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे एक सर्वर था उसका जो यहाँ पे यूज था वो हट जाता है। हट गया यहाँ से। तो यहीं पे एक थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम भी क्या आता है कि जो नॉन कॉपीराइटेड मटेरियल होते हैं या फिर कहें तो कॉपीराइटेड मटेरियल होते हैं उनका यहाँ पे P2P फाइल शेयरिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। जैसे कि बहुत लोग ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं, ठीक है, तो वो तो उसका कॉपीराइट मटेरियल रहता है। अब उस चीज़ को अगर हम P2P फाइल शेयरिंग के थ्रू करेंगे तो पता तो किसी को नहीं चलेगा, जिसका बंदा ऑनर उसको भी नहीं पता चलेगा, लेकिन यही अगर गलती से उसको पता चल गया तो उसके पास पूरा लीगल राइट है कि वह उसको वहाँ पर क्लेम कर सकता है गवर्नमेंट को, और हो सकता है हम लोग का थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान भी हो जाए, है ना। तो ये सबसे पहला पोटेंशियल था। और दूसरा जो है ना, जो वेब 3.0 में आने वाला है, बिट टोरेंट का जो फाइल टू P2P शेयरिंग है, ये जब वेब 3.0 आएगा तो यहाँ पर इसका यूज और बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे सर्वर जो हैं वो अपना मनमानी करते हैं कि जिसका भी कंटेंट रहा तो कभी हटा देते हैं, कभी कुछ करते हैं, और बहुत सारे सर्वर ऐसे हैं जो कि मैं क्या बोलूँ उसको, बहुत स्लो स्पीड देते हैं, तो लोग एक्चुअली धीरे धीरे P2P के तरफ जाने का क्या बोलते हैं उसे कोशिश कर रहे हैं। तो भाई मुझे बताओ, आपने इसको स्टोर कहाँ किया है पूरे BTT कॉइन को? देखिए, मैंने कुछ BTT कॉइन को एक एक्सचेंज पर रखा हुआ है, उसे मैं ट्रेड करता हूँ। जैसे प्राइस नीचे आया तो उसे मैं परचेस किया, प्राइस ऊपर गया मैं सेल कर दिया, और कुछ BTT मैंने ट्रस्ट वॉलेट पे भेजा हुआ है, क्योंकि उसे मैं ना बेचना चाहता हूँ ना उसमें कुछ छेड़छाड़ करना चाहता हूँ, सिंपली वह पड़ा हुआ है, बढ़ेगा बढ़ेगा, घटेगा घटेगा, वहीं पर होगा, और कुछ BTT से मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूँ।
भाई आपको क्या लगता है अगले 3 साल बाद 2025 या 2026 में इसका क्या प्राइस रह सकता है? एक प्रेडिक्शन आपने जो अभी तक रिसर्च की है या आपने जो सोच के इसको खरीदा है? देखिए टोटल डिपेंड करता है इसके सप्लाई पे, क्योंकि अभी इसका जो सप्लाई है वो 990 ट्रिलियन है और सर्कुलिंग सप्लाई के आसपास 923 ट्रिलियन के आसपास है। और अभी जो बर्निंग हो रहा है वो ओल्ड बीटीटी का बर्निंग अभी चालू है, लगभग 56 से 57% का यहाँ पे ओल्ड बीटीटी का जो बर्निंग है वो कंप्लीट हो चुका है। आने वाले समय में अगर इस न्यू बीटीटी का बर्निंग जल्दी से चालू होता है और आने वाले टाइम पे अगर स्पीड से इसका बर्निंग होने लगा तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि यहाँ पे आपको एक तरह से कहा जाए एक पैसा कहीं ना कहीं 2026 के आसपास मुझे इसका जो प्राइस है वो देखने को मिल रहा है। मतलब बात किया जो रुपीस में तो 0.01 के आसपास इसका प्राइस आपको देखने को मिल सकता है, बशर्ते यहाँ एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, जो इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसको बहुत रिड्यूस होना पड़ेगा उसके बाद ही। क्योंकि एक बात मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, जो बिटटोरेंट कॉइन था ना वो टॉप 10 पे था पहले, लेकिन अगर अभी का बात किया जाए तो 54 के आसपास यहाँ पे रैंक करता है। तो बिल्कुल किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, मेक श्योर कि आप थोड़ा सा रिसर्च करके कोई भी कॉइन परचेस कर रहे हो वहाँ पे। चलिए भाई ये इन्फॉर्मेशन शायद मुझे भी इतनी ज्यादा नहीं पता थी, होप आपने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी है जो यूजर को मेरे जानने में काफी मदद करेगी, अब इस कॉइन को परखने में हेल्प करेगी। तो भाई इनका चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं जाके, एंड आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक रेड बटन को क्लिक करके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।